नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और यहाँ पे आप देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ई विजय बैंक के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। भूतपूर्व जो बैंक मैनेजर थे उन लोग का यहाँ पे सम्मान समारोह किया जा रहा है। राजीव जी से बात करेंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। हाँ सर बताइए, इतना बड़ा कार्यक्रम सर, ये हम लोग रिटायरमेंट के बाद हम लोग ने सोचा है कि एक हम लोग क्यों ना एक ऐसा फैमिली गेट टुगेदर करें जहाँ हम लोग एक दूसरे को कम से कम 35 साल काम करने के बाद हम लोग सोचते थे कि कोई साथी मेरे कहाँ है, किस हालत में है, उनको देखना चाहते थे। पारिवारिक जो है परिवार से हम लोग कोविड जो है हम लोगों ने हिला के रख दिया। बहुत सारे साथियों को कोविड पीरियड में हमने खोया है और उसको कोविड पीरियड में हम लोग को कोविड पीरियड के बाद हमको एक लेसन मिला कि हम कल हो ना हो, कल किसने देखा है, आज की स्थिति में हमारे साथी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। रिटायरमेंट के जब तक काम किया तो 35 साल तक हम लोग काम किए और जब हम लोग बिछड़ गए हैं पिछले 10 साल से तो कौन साथी कहाँ है, इसके लिए बैंक हम लोग सब बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायरी हैं जो विजया बैंक से अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा में आए, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर किए हैं। तो हम लोग सबको जोड़ने के लिए एक कड़ी के कड़ी का काम एक फिर होया। सब साथी अलग अलग जगह, कोई साथी हमारे अमेरिका में, कोई सिंगापुर में, कोई दिल्ली में, कोई बैंगलोर में, कोई कलकत्ता से आए हैं, कोई गोरखपुर से आए हैं। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं बहुत साथी बाहर से आए, बहुत कम साथी, बहुत लोग जा चुके हैं। तो सबको एक जोड़ करके एक हमने इसको एक प्लेटफॉर्म लिया एसोसिएशन लाइफ बिगिंस एट द रेट ऑफ 60। केवल 60 साल से ऊपर के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। इसमें अधिकांश जो विजया बैंक के रिटायरी हैं वही हैं। विजया बैंक क्योंकि विजया बैंक आज विजया मर्ज कर गया बैंक ऑफ बड़ौदा, इसीलिए ये लाइफ बिगिन से 60 बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सर अभी जो बैंक एम्प्लॉय में जो जॉब कर रहे हैं उस जो भी एम्प्लॉय है SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारा जो एक संगठन भी बनाया है साथी, ये एक दूसरे से दुख सुख में जोड़ने का भी हम लोग एक कड़ी का काम है। किसी साथी को आज हेल्थ की समस्या की जरूरत है, कोई बीमार है, हम कम समय पर उसके घर पहुंचते हैं, उसको फाइनेंस की जरूरत है उसको पैसे देते हैं, उसको जाके हम लोग एक मदद करते हैं। उसको कोई लीगल जरूरत है तो लीगल हम लोग उसको कानूनी सलाहकार के पास ले जाते हैं और उसको हम लोग मदद करते हैं। जो हम लोग जो असहाय साथी हैं उनको हम लोग हेल्प पहुँचाते हैं, मदद करने का काम करते हैं। उसके लिए संस्था है, न कि हम किसी को एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा कोई संस्था। आपने देखो शार्क भाई का रिपोर्ट मिला था, हाँ तो फ्री आई चेकअप, बिल्कुल ब्लड प्रेशर शुगर सारा हम लोग यहाँ कराए, यहाँ लाइन लगी बहुत जल्दी। और हमारे यहाँ से उनका सभा का उद्घाटन किसने कर रहा है, हमारे संतोष कुमार जी रीजनल मैनेजर ने उद्घाटन सीधा। यहाँ देखिए कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही का मकसद है क्या कि ग्रैब टू गोल्डन टू मेक पॉजिटिव। खबरों के साथ बने कुमार हसन, भारत न्यूज 24। बायलॉज पारित हो गया है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना है, कुछ मजबूरी के चलते विड्रॉ कर रहे हैं।